फिल्म 1979 में शुरू होती है जब एलिस स्कूल नाम की एक महिला व्यामोह से पीड़ित होने के बाद एक मनोरोग सुविधा की जांच करती है। उसके पास अपने परिवार के डॉक्टर डॉक्टर डोनाडियो का एक पत्र है, साथ ही वह सभी कागजी कार्रवाई है जिस पर उसके पति हेलियो डिओरो ने हस्ताक्षर किए हैं। प्रवेश से पहले एलिस ने एक डॉक्टर से पूछताछ की जो डॉक्टर डोनाटोस को पढ़ता है। ध्यान दे कि वह कहता है कि एलिस सेकंड के एक मामले में किसी भी चीज के लिए स्पष्टीकरण विकसित कर सकता है, इस प्रकार आसानी से किसी को भी हेरफेर कर सकता है। बातचीत के दौरान हमें पता चला कि उसके प्रवेश का सुझाव दिया गया था क्योंकि उसने अतीत में कई बार अपने पति को जहर देने की कोशिश की थी। हालांकि एलिस आरोपों से इनकार करती है और महसूस करती है कि यह दूसरा तरीका है क्योंकि हेलियो डिओरो अपने लिए अपना भाग्य चाहता है। इसके बाद एलिस को डॉक्टर ग्राहक से मिलवाया जाता है। वह सुविधा वह हमें जगह का दौरा देती है और उसे प्रवेश पूर्व प्रक्रिया से गुजरती है। वह अपनी सारी संपत्ति फ्रंट डेस्क पर बदल देती है और एक क्रूर चिकित्सा परीक्षा से गुजरती है। हालांकि उसके अनुरोध पर डॉक्टर कैस्टर ने एलिस को अपनी एक किताब अपने पास रखने की अनुमति दे दी। बाद में हम देखते हैं कि एलिसन खुद अखबारों की कतरनों और अन्य सामग्रियों की छानबीन कर रही है। वह अपनी किताबों में छिपी हुई है। सभी कटआउट किसी तरह उस व्यक्ति की रहस्यमय मौत से संबंधित हैं जो वहाँ एक मरीज हुआ करता था। यह पता चला है कि एलिस डेल एमो नाम के एक व्यक्ति द्वारा नियोजित एक निजी जासूस है। इस सुविधा के अधिकारियों ने अपने बेटे की मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया, इसलिए हमारा मिशन उनके बेटे की मौत के रहस्य को उजागर करना है। अगले दिन एलिस एक संघीय रोगी इग्नासियो से मिलती है जो पूरी तरह से समझदार प्रतीत होता है। उसके पास एक लाइटर और सिगरेट ले जाने का भी अधिकार है जो अन्य रोगियों के पास नहीं है। जबकि वे बात कर रहे हैं, ओसुडा नाम का एक बौना डाइनिंग टेबल के नीचे घुस जाता है और उसे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन इग्नासियो उनका पीछा करता है जब वह विरोध करने की कोशिश करता है या योदा हाथी वैन के रूप में जाने जाने वाले एक विशाल रोगी द्वारा संरक्षित है। इग्नासियो तब एलिस को सुविधा के आसपास दिखाता है और उसे रोमुलस और रेमस नाम के जुड़वा बच्चों के बारे में बताता है, जबकि रेमस मूक है। रोमुलस दूसरों की नकल करता है और एक बीमार लड़की की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है जिसे वह अपनी छोटी बहन मानता है। अगले दृश्य में एलिस एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से गुजरने के लिए डॉक्टर अरेलानो के साथ अपने सत्र में भाग लेती है। थोड़ी देर बातचीत के बाद वो एलिस द्वारा मोहित प्रतीत होता है और उस पर भरोसा करने लगता है। वो हिचकिचाता नहीं है जब वो उसे स्टाफ बाथरूम की चाबी देने के लिए कहती है, जिसका फायदा वह कमोड को रोककर और गार्ड को विचलित करके उठाती है। एलिस को संग्रह के चारों ओर चुपके से पर्याप्त समय मिलता है। घटना के दिन छोड़ने की अनुमति देने वाले रोगियों की सूची पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि केवल इग्नासियो और ओजुदा को सुविधा छोड़ने की अनुमति थी। यह पता चला है कि लड़के के पिता को हत्यारे से एक पत्र मिला है और एलिस को संदेह है कि संदेश एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसे सिजोफ्रेनिया था। अगले दिन एलिस इग्नासियो से यह जांचने के लिए संपर्क करती है कि क्या वह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। उसे पता चलता है कि जब उसकी बहन उनसे मिलने आती है तो उसे हमेशा परिसर छोड़ने की अनुमति दी जाती है, जो उसके संदेह की पुष्टि करता है। फिर वह उसे पत्र दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने इसे लिखा है, लेकिन इग्नासियो ने इस घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। जैसे ही वह दूर जाने के लिए दौड़ता है, एलिस उसे हिरासत में लेने की कोशिश करती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और इग्नासियो को भयानक दौरे पड़ते हैं और उसकी त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। यह पता चला है कि वह हाइड्रोफोबिया से पीड़ित है और स्किजोफ्रेनिक बिल्कुल भी नहीं है। बाद में एलिस अस्पताल के बिस्तर में इग्नासियो से मिलने जाती है और वहां रहने के अपने असली मकसद के बारे में बताती है। वह दावा करती है कि केवल डॉक्टर अलवर सुविधा निदेशक को उसकी गुप्त जांच के बारे में पता है और उसके बाद रोगियों के साथ रहकर मामले को सुझाने के लिए उसे पहुंच प्रदान की है। इग्नासियो का दावा है कि मृत लड़का ओजुदा के साथ था और वह उस रात भी लापता था। अगले दिन एलिस ने देखा कि ओजुदा अन्य महिलाओं को परेशान कर रही है और जंगल की ओर भाग रही है। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश में जंगल में उनका पीछा करती है, लेकिन इसके बजाय वह रोमुलस और उसकी बहन से मिलती है। उसने अपने सुरक्षित स्थान के रूप में एक स्थायी घर बनाया है और एलिस को अपनी माँ के रूप में दया से संदर्भित करता है। एलिस भी साथ खेलती है और अपनी माँ बनने का नाटक करती है। इस बीच वह बगल की झाड़ियों में हलचल सुनती है और ओजुदा द्वारा हमला किए जाने के तुरंत बाद अपने ट्रैक पर लौट आती है, जो उसके साथ मारपीट करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कोई बौने के सिर पर वार करता है और जब एलिस उसकी आंखें खोलती है तो स्क्रीन काली हो जाती है। हमारे कानून को पता है कि उसने ओजुदा को मार डाला है, लेकिन एलिस को इस बात से भ्रमित किसी की हत्या करने की याद नहीं है। वह दावा करती है कि उसने आत्मरक्षा में काम किया होगा अगर यह वास्तव में हुआ था। एलिस डॉक्टर अरेलानो को अपना असली मिशन बताती है और उनसे उसे जाने देने का अनुरोध करती है, लेकिन जब वह उस पर विश्वास नहीं करता है तो एलिस का दावा है कि यहाँ तक कि सुविधाओं के निदेशक डॉक्टर अलवर भी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है और डॉक्टर अलवर के आने पर कुछ समय बाद उनकी कहानी का बैकअप ले पाएंगे। वो एलिस के दावों का खंडन करता है और कहता है कि वह पागल और भ्रमित है।
एलिस उन्हें उन पत्रों की याद दिलाती है जो उन्होंने हत्या की जांच के संबंध में लिखे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि निर्देशक को उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हताशा से बाहर एलिस उन्हें जमीन पर धकेल देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ लेता है और उसे शामक देता है। 3 दिन बाद एलिस को होश आता है और वह डॉक्टर कैस्टेल को अपने सामने खड़ा देखती है। वह डॉक्टर से उसे जाने देने की विनती करती है, लेकिन कैस्टेल उसे बताती है कि वह तब तक उसकी मदद नहीं कर सकती जब तक कि मेडिकल बोर्ड इसकी मंजूरी नहीं दे देता। फिर एलिस को मेडिकल बोर्ड के सामने बुलाया जाता है, जहां वह अपना पूरा हिसाब देती है और डॉक्टर को समझाती है। हालांकि उसने अपने बेटे की मौत की जांच के लिए एक निजी अन्वेषक के रूप में काम कर रखा था। फिर एलिस को मेडिकल बोर्ड के सामने बुलाया जाता है, जहां वह अपना पूरा हिसाब देती है और बताती है कि डेल ओल्मो ने उसे अपने बेटे की मौत की जांच के लिए एक निजी अन्वेषक के रूप में काम कर रखा था। हालांकि डॉक्टर अल्वर का कहना है कि लड़के की मौत सिर्फ आत्महत्या थी और उन्हें ऐसी किसी व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी। अब एलिस के मामले में कुछ असहमतियों के कारण मेडिकल बोर्ड के भीतर कुछ मनमुटाव प्रतीत होता है। जैसे समय बीतता जाता है, एलिस की कहानी डॉक्टर कास्टल और अरेलानो को समझाने लगती है, लेकिन डॉक्टर अल्वर का मानना है कि वह खतरनाक रूप से पागल है। उनका दावा है कि एलिस ने अपने पति को जहर देने की कोशिश की, क्योंकि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाई कि वह केवल उसके पैसे में दिलचस्पी रखता था। हालांकि जब उनके पति को पता चला और उन्होंने इसे अपने परिवार के डॉक्टर के पास लाया, तो डॉक्टर डोनाडियो एलिस ने एक झूठी वास्तविकता बनाने के लिए उसके दिमाग में उसकी वास्तविकता को विकृत कर दिया। तब डॉक्टरों ने उसके पति और डॉक्टर डोनाडियो तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों पहुंच से बाहर थे। इस बीच इग्नासियो निर्देशक के कार्यालय में यह बताने के लिए आता है कि एलिस वह नहीं थी जिसने ओजेडा को मारा था। उसका दावा है कि उसने देखा कि ओजेडा ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने हस्तक्षेप किया या येटा भाग गया और इस बीच जंगल में ठोकर खाए। एक आदमी कार्यालय में मौजूद है और वह खुद को डाउनलोड करने योग्य के रूप में पेश करता है। हालांकि एलिस हैरान है, क्योंकि वह जिस आदमी से पहले मिली थी वह अभी भी ओएमओ कोई और था, और जब दिलो मोड उसे एलिस के साथ शामिल होने से इनकार करता है तो वह पागल हो जाती है। फिर सुरक्षा गार्ड आते हैं और उसे ले जाते हैं। एलिस को तब सदमे उपचार और अलगाव के अधीन किया जाता है। वह शामक से भरी हुई है और कई दिनों तक बेहोश रहती है। उसके भीषण इलाज के दौरान एलिस आश्चर्य करती है कि सच्चाई क्या है, और यह महसूस करती है कि यह सब उसके पति हेलियोडारो द्वारा स्थापित एक जाल था। उसे पता चलता है कि अभिनय करने वाला आदमी अभी भी ओल्मो था, जिसे उसके पति ने घोटालेबाज हेलियोडोरा को काम पर रखा था। वह आदमी था जिसने उसे जांच में व्यस्त कर दिया था ताकि वह स्वेच्छा से शरण में प्रवेश करे और जीवन भर वही रुके रहे। जब एलिस जागती है तो वह डॉक्टर कास्टल को बताती है कि यह सब उसके पति की साजिश है। वह अनुरोध करती है कि वे उसके बैंक खाते को ट्रैक करें, और यदि उसका पैसा गायब है तो यह साबित हो जाएगा कि वह सच कह रही है। बाद में डॉक्टर कास्टेल अल्वारेस के कार्यालय में घुस जाती है और एलिस के कागजी कार्रवाई का आकलन करती है, जहां उसे पता चलता है कि हेलियोडोरो ने वास्तव में एलिस के प्रवेश के लिए मानक राशि का 20 गुना भुगतान किया है। दूसरी ओर डॉक्टर हमारा लैंडो एलिस के घर जाता है और पता चलता है कि उसके पति को छोड़ दिया गया है। फिर वह इसकी रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस प्रमुख ने निदेशक की अनुमति के बिना इस रिपोर्ट को दर्ज करने से इनकार कर दिया। इस बीच एलिस पूरे आश्रय को इकट्ठा करती है और उनके समर्थन का अनुरोध करती है और उसे संस्था से भागने में मदद करती है। वह नाथसियोस लाइट मानती है और दिन के अंत तक इंतजार करती है। रात में वह पूरे शेड में पेंट सॉल्वेंट बिखेर देती है और जल जाती है। इग्नासियो अपने कमरे से उठती लपटों को देखता है और पहरेदारों को विचलित करने के बाद वह सेल छोड़ देता है और अन्य सभी सेल दरवाजों को खोलना शुरू कर देता है। आग लगने से चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यह एलिस को भागने का एक आदर्श अवसर प्रदान करता है। इस बीच इग्नासियो बुरी तरह से घायल रोमुलस को अपनी कोठरी में पाता है। वह गरीब आदमी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। जब एलिस आखिरकार इमारत से बाहर निकल जाती है तो एक कार में एक महिला उसके पास आती है और उससे गेट खोलने का अनुरोध करती है। महिला खुद को कोरोनर के रूप में पेश करती है, जो मृत शरीर को देखने के लिए बच गया। एलिस भ्रमित है, क्योंकि उसे किसी भी मौत के बारे में पता नहीं है, लेकिन वह उसके साथ जाती है और उसके लिए गेट खोलती है। जब एलिस कोने से निकलने वाली होती है तो वह उसे फिर से रोकता है और पूछता है कि वह रोमुलस एसेल को कहाँ ढूंढ सकती है। यह सुनकर एलिस का मन बदल जाता है और वह महिला को बाहर निकालती है और उसके साथ कपड़ों का आदान प्रदान करती है। वह फिर इमारत के कोने में भेस में लौटती है और रोमुलस की लाश की जांच करती है। बाद में एलिस को डॉक्टर अल्वर और पुलिस प्रमुख ने जांच कक्ष में खोजा।
वह दावा करती है कि रोमुलस के शरीर का अध्ययन करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि एक भारी वस्तु ने सचमुच उसे कुचल दिया था, जिससे उसकी धंसी हुई छाती और कई टूटी हुई हड्डियां निकल गईं। वह दावा करती है कि रोमुलस की हत्या एलिफेंट मैन द्वारा की गई है। यह पता चला है कि एलिफेंट मैन हमेशा अपनी बहन रोमुलस को पसंद करता था, लेकिन वह उससे संपर्क करने में असमर्थ था, और ऊपर से ओजदा, जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त कह सकता था, उसे भी उससे ले लिया गया। एलिस आगे कहती है कि रोमुलस ही वह था जिसने ओजेडा की रक्षा के लिए उस दिन जंगल में उसकी हत्या की थी, इसलिए हाथी आदमी के पास रोमुलस से घृणा करने के लिए पर्याप्त कारण थे और उसने उन्हें मारने के लिए अराजकता का इस्तेमाल किया। जब अधिकारी हाथी आदमी की जांच करते हैं, वे उसके हाथों में कांच के टुकड़ों के गहरे निशान पाते हैं और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। इस बीच पुलिस प्रमुख एलिस की बुद्धि पर मोहित हो जाता है और वह खुद को एक निजी अन्वेषक के रूप में पेश करती है, जिसे उसकी पसंद के खिलाफ शरण में हिरासत में लिया गया है। पुलिस प्रमुख ने खुलासा किया कि डॉक्टर अरेलानो के दौरे के बाद उन्होंने उसके पति के बैंक खाते की जांच की और परिणाम स्वरूप उन्होंने पाया कि उसके सभी बैंक खातों को मिटा दिया गया था, जो उसके दावे की पुष्टि करता है। तब पुलिस तुरंत उसके मामले पर काम करना शुरू कर देती है, जबकि आश्रय कर्मचारी नगर परिषद को एक पत्र लिखता है जिसमें डॉक्टर अलवारीज को सुविधा के भ्रष्ट निदेशक के रूप में बर्खास्त करने के लिए कहा जाता है। अगले दिन एलिस रोमुलस के पास जाती है और उसे बताती है कि वह जानती है कि रेमस वह व्यक्ति था जिसे हाथी आदमी ने मारा था। जब आग लगी, रोमुलस अपनी बहन की मदद करने गया, लेकिन हाथी आदमी ने गलती से रेमस को उसका भाई समझ लिया और उसे मार डाला। रोमुलस इससे हैरान है, लेकिन एलिस बताती है कि केवल वह ही उन दोनों के बीच अंतर बता सकती है, क्योंकि वह उनकी माँ है। फिर एलिस ने उन्हें गले लगाया और उनकी रिहाई के बाद उनसे मिलने का वादा किया। अगले दृश्य में एलिस को उसके मामले पर बहस करने के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने लाया गया। डॉक्टर कैस्टल के अनुसार वे अभी भी लापता पति की तलाश कर रहे हैं और वे सभी जानते हैं कि क्या वह दक्षिण एशिया में कहीं है। अल्लाह कहते हैं कि डॉक्टर डोनाती का गायब होना कोई संयोग नहीं है, क्योंकि वे दोनों उसे पागल साबित करने की योजना बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर अलवर अभी भी कहानी से आश्वस्त नहीं है। उनका दावा है कि सिर्फ इसलिए कि उनके पति के पास कुछ पैसे थे, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने उन्हें जहर देने की कोशिश नहीं की। वे मुद्दे को हल करने के लिए मतदान करते हैं, लेकिन डॉक्टर अलवर मतदान नहीं करने का फैसला करते हैं और इसके बजाय वे बाकी फैकल्टी को निर्णय लेने के लिए कहते हैं। वो तब निदेशक के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे देता है और डॉक्टर कैस्टले को उसके स्थान पर नियुक्त करता है। इसके बाद बोर्ड एक वोट और नियम विश्लेषण पक्ष लेता है, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर अलवर कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर डोनादियो से बात की थी बैठक में भाग लेने के बाद, और ज्यूरिक डोनादियो ने अपनी पत्नी के साथ छुट्टी ली, जबकि उनका मानना था कि वह अब भाग गया था। वास्तव में कभी भी उनका कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। वह पुष्टि करता है कि कोई साजिश नहीं है और मुकदमे में आने के लिए सहमति है। जैसे ही अलवर बाहर निकलता है, वही बूढ़ा आदमी जो मानता है कि बेलोमो एक आदमी में प्रवेश करता है, उससे पूछता है कि अब उसने खुद को किस परेशानी में डाल लिया है, और एलिस पागल दिखती है और अंत को काला करने के लिए स्क्रीन कट जाती है।